लायंस क्लब ऑफ आरा मिलेनियम और उसकी सहयोगी टीम द्वारा तथा मुकुल माधव ट्रस्ट द्वारा कारीसात ग्राम में मेजर राणा प्रताप सिंह के आवास पर दीपावली व धनतेरस के अवसर पर 300 पैकेट पुरुष सैनिक वीरांगनाओं और कारीसात पंचायत एवं आसपास के लोगों को सामान बांटा गया, जिसमें 5 किलो आटा, 5 किलो चावल, 1 किलो चीनी, 2 किलो दाल, 1 किलो तेल, 1 किलो सूजी, चाय पत्ती, साबुन इत्यादि सभी सामान किचन यूज के लिए बांटा गया। इस अवसर पर राजीव कुमार सिंह, जीएसटी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मधेश्वर सिंह, VDG2 और मुजफ्फरपुर के आए लोगों तथा लायंस क्लब आरा के लोग उपस्थित रहे। होगा और आज हमारे बाहर से आए हुए और मलिक जी, हमारे मधेश्वर सिंह जी, विक्रमगंज से हमारे भाई साहब आए हुए हैं, छोटे भाई जंदा से, साथ में हमारे राघवेंद्र जी मधेश्वर बाबू के दहिना हाथ में, राघवेंद्र जी साथ में मुकुल माधव फाउंडेशन के, नाम नहीं जानते हैं सर, प्रिय मूर्ति लोगों को दिवाली का ये गिफ्ट मिल रहा है। ये अभी बोल रहे थे कि पहले हमें पता नहीं था कि मेरे साथ है, हमें मिला नहीं था, लेकिन हम लोग को लाइन के थ्रू भेजवा रहे हैं। हम कहें कि ये कैसे बट रहा है, ये जो बट रहा है हम सब वार्डर को बुलाए थे, हमारे लिए कोई अलग नहीं है, हमको कोई चुनाव नहीं लड़ना है। हमने वार्डर के बुलाकर उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था कि आप लोग देखिए कि कौन कौन गरीब है, ऐसा तो सब गरीब बना है, केवल मैं, हमने ये बोला था कि हमारे कुछ वीरांगनाएं हैं, और ये सुनकर हमारे भाई साहब बड़े खुश हुए हैं कि हमें पहले पता होता तो हमें अलग से प्रोग्राम कर देना। लेकिन साथ में हमारे जीएसटी, हम लोगों को लाइन में होता है जीएसटी कोऑर्डिनेटर, सभी जोरदार ताली, और तीसरी तालियां हमारे मधेश्वर भाई के लिए, जो कि ये हमारे साथ तो अभी ज्यादा लेक्चर नहीं, फिर लाइन लगा लो नीनो देवी, अपना पर तैयार हो गया, हमारा छोला भटूरा कौन खाएगा? पता चले लायंस क्लब के द्वारा जो आज ये डोनेशन की तरफ से आज ये पठान फाउंडेशन का कंट्रीब्यूशन है, और हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आज सोशल धनतेरस है, धनतेरस को उपलक्ष्य, उपलक्ष्य धनतेरस नहीं था, ऐसे नीडी पर्सन को फूड आइटम्स बांटने थे, लेकिन इत्तेफाक से आज ही का दिन हम लोगों ने इसको फिक्स किया। कल पटना में हुआ था जगजीवन स्टेडियम दानापुर में, आज यहाँ हो रहा है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये चलेगा, और चल रहा है शायद लास्ट ही दिन है उसका। आज यहाँ कितने लोगों के बीच का चयनित किया गया? 300 आदमियों के बीच में वितरित किया जा रहा है। सर बता दीजिए, आप तो बाहर से हैं, काफ़ी व्यस्त शेड्यूल है जी, और ये जो लोगों के बीच में, इसमें जो डोनर हैं वो मुकुल माधव फाउंडेशन है और क्रिकेट ये अकेडमी ऑफ पठान, ये लोग दोनों मिलकर इसको ये लायंस क्लब के साथ में कोलेबरेट किए, और हम लोग परसों मुजफ्फरपुर में किए थे, कल पटना में किए, आज यहाँ आरा में कर रहे हैं, और ये लायंस डिस्ट्रिक्ट 322E के बिहाफ में हो रहा है, और उसी के बिहाफ में हम ये आए हुए हैं। हम इसके ग्लोबल सर्विस टीम के कोऑर्डिनेटर हैं, मेरा नाम राजीव कुमार सिंह है। यानी जरूरतमंदों का दिवाली इस पर कुछ खास है? जी जी, बिल्कुल, ये मेरा नाम उज्ज्वल सिंह है और हम क्रिकेट एकेडमी ऑफ पठान की तरफ से हैं, जो इरफान यूसुफ पठान की क्रिकेट एकेडमी है उसका रिप्रेजेंटेशन है। तो मुकुल माधव फाउंडेशन जो है वो इस ड्राइव को, जिसमें पूरे इंडिया में तकरीबन 70,000 फैमिली और बिहार में 700 फैमिली को दिया जा रहा है, जिसमें 200 मुजफ्फरपुर का किया गया था परसों, कल पटना में हुआ है 200, और आज 300 परिवारों को दिया जा रहा है आरा में।
तो और आज तकरीबन उसकी समाप्ति है और अच्छी चीज़ है कि धनतेरस का दिन है, तो आज तो आगे भी इस तरीके का कार्यक्रम आगे भी होगा और ये होता रहता है। और असली ज़रूरतमंद तक पहुंचने के लिए जो है वो लायंस क्लब सबसे बड़ा भागीदार होता है, वो बिल्कुल हमेशा लोगों के साथ खड़े होते हैं, तो इसीलिए उनके साथ मिलकर इस चीज़ को वहीं बढ़ाया जाए। ये एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बस की बात नहीं है कि 70,000 परिवारों को राशन पहुँचाया जा सके, तो मुकुल माधव फाउंडेशन का सबसे बड़ा रोल है जिन्होंने सारी चीज़ को अरेंज किया है और बिहार में इसको लाया है क्रिकेट अकेडमी पठान से, और जरूर बोल तक हम पहुँचे हैं। अभी नहीं गया माने वो अब लिस्ट बन गया है, अब हमारे से कोई नहीं मिला था। लायंस क्लब ऑफ आरा मिलेनियम और उसके सहयोगी टीम द्वारा तथा मुकुल माधव ट्रस्ट द्वारा कारीसात ग्राम में मेजर राणा प्रताप सिंह के आवास पर दीपावली व धनतेरस के अवसर पर 300 पैकेट पुरुष सैनिक वीरांगनाओं और कारीसात पंचायत एवं आसपास के लोगों को सामान बांटा गया, जिसमें 5 किलो आटा, 5 किलो चावल, 1 किलो चीनी, 2 किलो दाल, 1 किलो तेल, 1 किलो सूजी, चाय पत्ती, साबुन इत्यादि सभी सामान किचन यूज के लिए बांटा गया। इस अवसर पर राजीव कुमार सिंह, जीएसटी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मधेश्वर सिंह, VDG2 और मुजफ्फरपुर के आए लोगों तथा लायंस क्लब आरा के लोग उपस्थित रहे। बाजार से बताया जाए जो राहत सामग्री कहा जाए इसे लायंस क्लब और जो माधव फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में दिया जा रहा है, कितने लोगों के बीच वितरण किया जा रहा है? आज हमारे गांव जवार जितने भी गांव है, इवन हिम्मतपुर, मौली, गजराजगंज, कारीसात, फिरोजपुर, मोहम्मदपुर, सभी के गाँव के, गजराजगंज, नवानगर, सभी गांव के 300 पैकेट जो आपके सामने आवास पर वितरण किया जा रहा है, हमारे आवास पर वितरण किया जा रहा है लायंस क्लब 22 के तत्वाधान में और ये माधव फाउंडेशन के कितने लोगों के बीच में 300 लोगों के